दोस्तों रिसेंटली मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क इस किताब की समरी बनाई और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। जब यह किताब मैं पढ़ रहा था तो इस किताब में हाउ टू लव इस किताब का जिक्र किया गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस किताब को मैं पढूं, अगर मुझे ये अच्छी लगती है तो अपने व्यूवर्स के साथ जरूर मैं इसे शेयर करूंगा, इसकी मैं समरी बनाऊंगा। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसी किताबों की समरी बनाता हूं जिस किताब में से मुझे सचमुच कुछ सीखने को मिला है। जो किताब में से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है ऐसी किताब भला मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन हाउ टू लव जब ये किताब मैंने पढ़ी दोस्तों, ये अमेजिंग किताब है। जब मैं इसकी समरी बना रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से पॉइंट्स मैं इंक्लूड करूँ और कौन से पॉइंट्स मैं छोड़ दूं, क्योंकि सारे पॉइंट्स अगर मैं ले लेता हूं तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए कुछ गिने चुने बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स मैंने लिए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हेलो दोस्तों, मायसेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिप ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। हाउ टू लव यह जो किताब लिखी है थीच नॉट अन्य, यह एक जैन मास्टर है और इनका नाम प्रोनाउंस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्यार के बारे में जो सच्चाई है उन्होंने बताई है वो बहुत ही आसान तरीके से बताई है। इस वीडियो में वो पावरफुल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस किताब के, और उसके साथ साथ हगिंग मेडिटेशन यानी कि अपने प्रिय व्यक्ति को हमें कैसे गले मिलना चाहिए इसका भी एक मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अक्सर जैन मास्टर जो है आपके किसी भी काम को मेडिटेशन में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप ये हगिंग मेडिटेशन करते हो अपने प्रिय व्यक्ति के साथ तो आपको बहुत ही खूबसूरत एहसास होगा। ये मेडिटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक के जरूर देखना है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे रिकॉग्नाइजिंग ट्रू लव, सच्चा प्यार कैसे पहचाने। दोस्तों सच्चा प्यार जो होता है वो हमें सौंदर्य, ताजगी, दृढ़ता, स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है और हमें इस अंदरूनी खुशी का अनुभव कराता है कि हम जिंदा है। अगर आपके प्यार में आपको ये खूबसूरत एहसास नहीं होते है तो समझना आपका प्यार सच्चा नहीं है। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। कुछ लोग किसी से इसलिए प्यार कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें अपने जिंदगी के दुखों से ध्यान उठाना होता है, ना कि इसलिए कि सामने वाले व्यक्ति को वो जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं या फिर उससे सच्चा प्यार करते हैं। नहीं, बस उन्हें अपने दुखों से ध्यान उठाना होता है। और ऑथर कहते हैं कि जब तक आप खुद से सच्चा प्यार नहीं कर सकते, खुद को ठीक से समझ नहीं सकते, खुद के दुखों से बाहर आना नहीं सीख सकते, तब तक आप दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, बॉलीवुड में एक मूवी आई थी धड़कन, जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जी किरदार निभा रहे थे। उसमें सुनील शेट्टी का जो किरदार है वो अंजलि नाम की लड़की से प्यार करता है, ना कि इसलिए कि उससे सच्चा प्यार है, जस्ट उसके ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे दुख है, अपने आप को वो बहुत अपमानित महसूस करता है, अपने आप से वो भागना चाहता है और इसलिए अंजलि नाम की लड़की से वो बहुत प्यार करता है, जो कि शिल्पा शेट्टी जी ने किरदार निभाया है। वो बहुत खूबसूरत किरदार उन्होंने निभाया है। अगर आपने मूवी देखी है धड़कन तो आपको ये पॉइंट बहुत गहराई से समझ में आएगा कि ये एक प्यार नहीं होता है बल्कि जस्ट एक सौर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी सेक्स। लेखक कहते हैं कि सेक्सुअल डिजायर ये प्यार नहीं होता है, बिना प्यार के सेक्सुअल एक्टिविटीज इसे वो एम्प्टी सेक्स कहते हैं। अगर आप सिर्फ आपके बॉडी को सेटिस्फाइड करते हैं और आपका मन और हृदय सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके बावजूद भी आपके अंदर एक तनाव बरकरार रहेगा, क्योंकि आप पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाओगे, पूर्ण सेटिस्फैक्शन का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आपकी बॉडी, मन और हृदय पूर्ण सेटिस्फाइड होते हैं तो सेक्सुअल इंटीमेसी में आप बहुत ही डीपली कनेक्ट कर पाते हो, सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि अपने आप से भी। नेक्स्ट है लविंग कम्युनिकेशन। दोस्तों हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उससे प्यार कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्यार करने का जो ढंग है उससे हर्ट कर सकता है और इसलिए हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपके प्रिय व्यक्ति को अगर आपको समझ के लेना है तो उसके लिए एक कंडीशन है और वो है उसे आपको डीपली सुनना है। वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। आपको उन्हें सवाल पूछना चाहिए कि उनकी लाइफ की डिफिकल्टीज क्या है, उनके दुख क्या है, उनकी गहरी इच्छाएं क्या है। जब हम उन्हें ये पूछते हैं तब जाके वो उनका हृदय हमारे सामने खोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू पार्टनर। दोस्तों हमें जिंदगी में हमेशा ट्रूथ, गुडनेस, कंपैशन और स्पिरिचुअल ब्यूटी की तलाश होती है और इन्हें हम बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब हमें हमारा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो हमें लगता है कि उससे ये सारी बातें हमें मिल जाएगी, लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि उससे जो हमने उम्मीदें की थी वो पूरी नहीं हो सकती,
और हम दुखी हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि सच्चा पार्टनर वही होता है जो हमें इनकरेज करता है, ये जो प्यार खूबसूरती हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसे हमारे अंदर ढूंढने में। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट लाइक अ रिवर। दोस्तों जब एक मुट्ठी नमक आप एक कप पानी में डालते हो तो वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहता है, लेकिन वही नमक अगर आप नदी में डालते हो तो उसके बावजूद भी वो नदी का पानी खराब नहीं होता है, आप उस पानी को पी सकते हो, उसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नदी बहुत विशाल है और उसके अंदर वो एक मुट्ठी नमक जो है समा जाने की ताकत है और उसे ट्रांसफॉर्म करने की ताकत है। उसी तरह से ऑथर कहते हैं कि जब हम हमारे हृदय बहुत छोटा कर लेते हैं तो अपने प्रिय व्यक्ति की गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, छोटी छोटी बातों से हम इरिटेट होने लगते हैं, इससे हम बहुत लिमिटेड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, हम लाइफ में दुखी रहते हैं और हमेशा उम्मीद करते हैं कि सामने वाला चेंज हो जाए। लेकिन जब अपने हृदय को हम बहुत विशाल करते हैं तो अपनों की गलतियां जो है हमें इरिटेट नहीं करती है, यही सेम गलतियां हमें दुखी नहीं करती है, फिर भी हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उन्हें गले लगा सकते हैं। और जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं, तब जाके उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका भी हमें मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने आप की कितनी मदद कर सकते हैं अपना हृदय बहुत विशाल करने में। दोस्तों लास्ट का पॉइंट हम देखेंगे, हगिंग मेडिटेशन। हगिंग मेडिटेशन जो है दूसरों से गले कैसे मिलना है, अपने प्रिय व्यक्ति से गले कैसे मिलना है, इसका एक मेडिटेशन ऑथर इस किताब में बताते हैं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये हगिंग मेडिटेशन आप किसी भी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑथर कहते हैं कि पेड़ के साथ भी आप कर सकते हैं। हगिंग मेडिटेशन एक बहुत ही डीपली प्रैक्टिस होती है दोस्तों, इसे आपको बहुत ही 100% प्रेजेंट में रहकर करना होता है। जब आप हगिंग मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने प्रिय व्यक्ति के सामने खड़े हो जाइए और अपने सांसों को फॉलो कीजिए ताकि आप प्रेजेंट में आ जाए। उसके बाद बाहें फैलाकर उसे गले लगाइए और उसे गले लगाते वक्त जब आप पहली सांस लेते हो और सांसों को छोड़ते हो उस वक्त इस बात के प्रति अवेयर होना है कि हम दोनों अलाइव है, हम दोनों जीवित हैं, सचेतन है। उसके बाद जब दूसरी सांस आप लेते हो और सांसों को छोड़ते हो तो यह विचार करना है हम दोनों आज से 300 साल के बाद कहाँ हो सकते हैं, कहाँ रहने वाले हैं। जब आप ये विचार करने लगते हो तो जो गले मिलना है हमारा और गहरा होने लगता है। और उसके बाद जब आप तीसरी सांस लेते हो और सांसों को छोड़ते हो उस वक्त यह विचार करना है कि हम दोनों अभी भी सचेतन है, जीवित है, अलाइव है। ये कितना खूबसूरत एहसास है। जब आप एक गले मिलने का मेडिटेशन करते हो तो अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति हमारे एहसास जो है बहुत गहरे हो जाते हैं, एक अंदरूनी खुशी हमें महसूस होती है। और ये मेडिटेशन के लिए कोई समय नहीं है दोस्तों, किसी भी समय आप इसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो किताब है हाउ टू लव, इसे जरूर पढ़ना, बहुत छोटी किताब है लेकिन बहुत ही अद्भुत है। अगर ये किताब आपको खरीदनी है अमेजॉन से तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।